बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि अब धीरे धीरे जग की ये तपिशें ईरान के सहयोगी सीरिया तक भी पहुंच चुकी हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल की तरफ से सीरिया पर बड़ा हमला किया गया है। देखिए रिपोर्ट। दुश्मन के खिलाफ इसराइल का बारूदी चक्रव्यूह। ईरान के सहयोगियों पर इसराइल का टारगेट। लेबनान से लेकर सीरिया तक आईडीएफ की सीरियल स्ट्राइक। जॉर्डन की एयर स्पेस से गुजरती इन मिसाइलों को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक किया गया। उसी वक्त ये मिसाइलें जॉर्डन की एयर स्पेस से होकर कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर से गुजर रही थी, तभी इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इन्हीं हमलों का जवाब अब इसराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइल ने जबरदस्त हमला किया है। इसराइल का यह हमला सेंट्रल बेरूत से लेकर साउथ बेरूत में उन जगहों पर किया गया जहां चंद रोज पहले हिजबुल्ला के सुप्रीम लीडर हसन नसरल्ला को मौत की नींद सुलाया गया था। इन इलाकों में रात भर इसराइल की मिसाइलों और रॉकेटों की आवाजें गरजती रही। अब इन तस्वीरों को देखिए। इसराइल के बारूदी हमलों ने बेरूत की कई इमारतों को ले लिया है। अल बशौरा इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इसराइल ने बेरूत में तबाही और बर्बादी की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी है। इसराइल की सेना का दावा है कि सभी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। ये पहली बार है जब इसराइल की सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हुए इन हमलों में नौसेना के जहाजों का इस्तेमाल किया है। तेहरान टाइम्स का दावा है कि इन हमलों में लेबनान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से यह भी खबर है कि सेंट्रल बेरूत में हुए टारगेटेड एयर स्ट्राइक से दो लोगों की मौत हो गई है। लेबनान ही नहीं, इसराइल के ये हमले ईरान के सहयोगी सीरिया पर भी जारी है। द टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है कि सीरिया पर हुए इन हमलों में सीनियर हिजबुल्ला कमांडर का भाई हसन कासर मारा गया है। हसन कासर हिजबुल्ला की यूनिट 4400 के प्रमुख मोहम्मद जफर का भाई था। मोहम्मद जफर को इमाम हुसैन डिवीजन के कमांडर के साथ बेरूत में पहले ही मारा जा चुका है। हसन कासर पर ईरान और उसके सहयोगियों से हथियार लेकर लेबनान तक पहुंचाने का आरोप था। हसन कासर को दमिश्क के माजेह में मार गिराए जाने का दावा किया गया है। हसन कासर को हसन नसरल्ला का दामाद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसराइल की सेना अब पश्चिमी सीरिया के तटीय शहरों को भी टारगेट कर रही है। यानी इसराइल ने तय कर लिया है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके सहयोगियों की भी कमर तोड़ेगा, फिर चाहे इसराइल की सेना को किसी भी इलाके की तरफ मूव क्यों न करना पड़े।